नमस्कार दोस्तों, मैं मलिक यारो का यार आज चलता हूँ आपको लेकर एक ऐसी जगह पर जहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दिवाली के त्यौहार पर जो है पूजा करने के लिए ना जाता होगा। जिसमें से रास्ते में एक आता है गुफा वाले बाबा का मंदिर है, जो कि मैंने आपको मेरे पहले व्लॉग में दिखाया था, पीछे व्लॉग में है, आप मेरे चैनल पर जाके जिसको देख सकते हैं। और ये दिवाली से पहले की पूजा होती है, सभी के गांव में जो है खेतों में देवता बने होते हैं जिसकी पूजा होते हैं। और आज तक मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग दिखाए हैं अलग अलग जगह के, मंदिर के अलग अलग जितने भी प्लेस है, लेह लद्दाख वगैरह मनाली उस जगह डेस्टिनेशन की जो है आपको विजिट कराया है। लेकिन इस बार कुछ सोचा कुछ अलग दिखाऊँ, अपना जो कल्चर है गाँव का वो दिखाऊँ, कैसे पूजा होती है क्या होता है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और चलते हैं इस रोचक सफर के लिए, एक अलग ही वीडियो के लिए आपको लेकर अपने गांव में। अब हम आ चुके हैं ढिकोली विलेज में। ये ढिकोली गांव है हमारी तरफ, जिसमें जो है जाटों के ढाका कौम रहती है, सभी यहाँ ढाका रहते हैं। और भाई काफी बड़ा गांव है ये, लेकिन इसकी सड़कें काफ़ी टूटी हुई है, ये कई साल हो गए ये रिपेयर ही नहीं हो रही, जबकि ये इतनी मेन सड़क है, इसको जो है रिपेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ चुके हैं बड़ौद से थोड़ा पहले है बरनावा के पास। ये जो है गांव के रास्ते का जो है थोड़ा सा आनंद लीजिए भाई, रात का देखिए। यहाँ पर जो है पॉल्यूशन दिल्ली के मुकाबले में 70% कम है। दिल्ली तो इस टाइम जो है गैस की चैम्बर बनी हुई है, जीवित रहना चाहते हो स्वस्थ रहना चाहते हो तो दिल्ली से बाहर निकलो, छुट्टियां लो, घूम फिर के आओ, कोई पहाड़ों में अपने गांव में जाओ। अब हम पहुंच चुके हैं बावाड़ा मोड़ है ये इसको बोलते हैं, उससे मुड़ के और सामने की तरफ चल चुके हैं। और हमारे पीछे की तरफ जो है सीधे आप जो है मेरठ पहुंच जाओगे सरदाना रोड पे। और भाई देखो कितनी अच्छी रोड जो है ये बन चुकी है, वाह भाई कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि ये सड़क ऐसी होगी। शामली यहाँ से जो है 43 किलोमीटर है और उससे 7-8 किलोमीटर पहले हमारा गाँव पड़ता है हसनपुर। तो चलते हैं भाई अपनी बेल्ट के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब जो है हम बिल्कुल अपने गांव से मात्र 1 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं। अभी हमारे राइट में जो है लाख गांव था और लेफ्ट में जो है हमारे लिसाड़ गांव था। बस अब हमारा गांव आने वाला है, इंतजार नहीं हो रहा भाई। अपने गांव का जो दरवाज़ा लगा हुआ है अभी आपको उसके दर्शन कराऊंगा। ये देखिए इस सारी रोड पे जो है इतना ज़बरदस्त वर्क हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त काम। और ये हमारे गांव का बोर्ड, ये देखिए हसनपुर, ये क्या है, यही हमारे गांव का नाम है। और गांव के जो पहचान है बाहर ये स्टैंड बनाया हुआ है और ये गेट है, अभी दिखाता हूँ आपको उतरकर इस गेट को। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली, ये देखिए दिखाना चाहूँगा ये जो द्वार है ये हमारे गांव की देखिए खास पहचान है। अभी आपको दिखाने को करता हूँ, ये लिखा है अमर शहीद द्वार हसनपुर हवलदार सोनवीर सिंह मलिक सेना मेडल, जो कारगिल में शहीद हुए थे उन्हीं की याद में जो है ये हमारे गाँव का जो द्वार है ये बना हुआ है, ये देखिए। और भाई कोई भी त्यौहार जैसे होली होता है दिवाली होता है, ऐसे त्यौहार पे हमारे हर गांव के जो भी आसपास के गांव हैं उसके गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो अपने गांव में जो है देवताओं पे दिए जलाने के लिए ना आए। हर आदमी जो है दिए जलाने के लिए आता है।
और ऐसे ही यहीं पर जो है प्रसाद वगैरह वितरित करते हैं, लोगों को बांटते हैं और अपनी जो है खुशियाँ जाहिर करते हैं। ये हमारी मातृभूमि है भाई, यहीं से हमारा वजूद है, इसी मिट्टी से। तो भाई नमन है इस धरती को, पावन धरती को, ये हमारी मातृभूमि है। आज फिर से जो है दिवाली से पहले हम आए हैं दिए जलाने के लिए। अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं, जब भी हम गांव में आते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। गांव का जो माहौल है, नेचर है, वो भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो जो कोई जैसे शहर के लोग होते हैं गाँव में नहीं जा पाते, तो एक बार ज़रूर गाँव में आना चाहिए। और किसी को अगर गाँव में देखना है, गाँव देखना है कैसे होता है, तो मेरे साथ हमारे गाँव में आ सकता है। चलो चलते हैं अब अपने गाँव के अंदर। ये देखिए भाई, गाँव में आते ही हमारी गुड़िया कितनी खुश हो गई है, जय हिंद कर रही है। उस द्वार पे पढ़ के मैंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे है, जय हिंद, भारत माता की जय, देश की रक्षा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, वंदे मातरम, जय हिंद। तो जो देश के वीर सैनिक हैं उनको सैल्यूट करो बेटा एक बार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय। और भाई ये हमारी राजधानी खड़ी है, ये देखिए। नमस्ते। और भाई ये देखिए हमारे साथ हमारी भाभी आई हुई है, ये अंदर जो है चाय का मजा ले रहे हैं। देखो चाय की चुस्की ले रहे हैं, गांव में जाने से पहले ही बना के लाए थे घर से ही, अब पी रहे। दो भाभी है और उधर तो आप जानते ही हो, ये देखो। अरे ये भतीजे मिल गए भाई, ये यहाँ यूपी पुलिस में है। लाइव चल रही है? हाँ नहीं, लाइव करूंगा। ये देखो भाई, ये हमारे गांव के शेर है दोनों दोनों। तो भाई ये देखिए, अब गांव पहुंचने से पहले चाय की चुस्की ले रहे हम, इन्होंने तो ले लिया, मुझे भी कह रहे तुम भी पियो भाई चाय। तो भाई बड़ा मजा आ रहा है अपने गांव से पहले चाय पीने का। तो फाइनली अब हम जो है सुबह के समय चल चुके हैं अपने देवताओं पे दी जलाने के लिए, और यही जो है रास्ता बनाया हुआ है, इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं अपने देवताओं के लिए। ये है हमारे बाबा रणजीत जी की उसमें याद में बना हुआ है, हमारे यहाँ देवता बने हुए गांव में, ये सभी के गांव में बने होते हैं ऐसे ही, जहाँ जो है गांव के जितने भी आदमी होते हैं, कहीं भी रहते हो, चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, कहीं भी चले गए हो, लेकिन दिवाली पे होली पे जो है अपने देवताओं पे दिए जलाने के लिए अवश्य आते हैं। सभी पे जो है देवता जितने भी हैं इन पे जल अभिषेक किया जाता है। चारों तरफ जो है ईंक ईंक खड़ा है, इसे ईंक भैया। और हमने ऊपर पपीते का पेड़ लगा हुआ है यहीं पे। देखिए गुड़िया को गन्ना लेकर कैसे जा रही है। अब ये देखिए, ये
ये हमारी भाभी भी दिल्ली से आई हुई है, ये हमारे ये गांव में है यहाँ पे। और एक भाभी देखे नलके में से, देखे डब्बे में जल ले रही है। ऐसे ही सभी यहाँ पूजा के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए किस प्रकार से किसान जो है कितना सर्वाइव करता है, कितनी मेहनत करता है। सुबह जो है 5 बजे उठ के आ लेते हैं खेतों में। 5 बजे उठकर मल्ले पटे पुराने कपड़े ढूंढे कहाँ हैं। ये देखो कितनी मेहनत का काम है, इतनी मेहनत का। ये गन्ना है, पहले एक मजे से इसे काटेंगे, बेज में इसे इसे ये इसे बोलते हैं दांती। इस दांती से जो है इसे साफ करेंगे, इसके बाद इसमें इसे ट्रॉली में और बुग्गी में लोड करके कोल्लू में ले जाएंगे, जहाँ से इसकी मेकिंग होती है, गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। और ये यही गन्ना जो है मिल में जाता है। इतनी मेहनत के बाद फिर जो है आपको चीनी, बूरा, खांड वगैरह जो है वो प्राप्त होती है। तो असली मेहनत जो है वो किसान की होती है। अगर किसान नहीं होगा, अन्नदेवता नहीं होगा, तो सारी दुनिया जो है भूखी मरेगी। तो अब लेकर चलता हूँ आपको जो हमारे पितृदेवता है उनके दर्शन आपको कराता हूँ। वो तो हमारे पूरे गांव के देवता थे। आप चलते हैं, देखो इन ईंखों के बीच में से निकलते हुए। वाह, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पितृदेवताओं पर। ये रे देखो, अभी जो है दिवाली से पहले यहाँ इसकी कली रंग वगैरह पे हो जाएंगे। हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं और फिर चलते हैं अगले सैयद भूमिया है वहाँ चलते हैं, और उसके बाद आखिरी में शिवालय पे ये जल अर्पण कर दिया है यहाँ पे। जय हो परमपिता परमात्मा की। तो भाई देखिए, अब जो है ऐसे ही अपनी जो कल्चर है उसको जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, बेटा ऐसे करते हैं, ये पूजा ऐसी होती है, ये हमारे देवता है, उनको बताना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। गुड़िया कहाँ बैठ गई, कह रही पापा मैं तो यहाँ बैठूंगी, आराम आराम चलाना। जब हम आ चुके हैं सैयद भूमिया पे, ये सैयद है, यहाँ पूजा करेंगे, इसके बाद भूमिया पे करेंगे और उसके बाद लास्ट में शिवालय पे करेंगे। यहाँ चप्पल निकाल देते हैं अपनी। देखिए प्रसाद बांट चुके हैं, प्रसाद के रूप में जो है हम बिस्कुट लाए, एक छोटे से बच्चे को दिया है। कैसे लग रहे हैं बिस्कुट, अच्छे? ये बच्चा कह रहा है एक और दे दो मेरे पापा के लिए। दे दे, जय बाबा की। अब यहाँ पे भी जो है हाथ लगाते हैं इसमें, जय बाबा की, जय लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जय हो, जय हो, लो प्रसाद लो भाई। प्रसाद बांटते हैं गांव में, प्रसाद के तौर पे जो है हम बिस्कुट लाए हैं। देखिए ये सैयद है, पीर बाबा है, यहाँ पे सभी के गांव में होते हैं। समाधि है यहाँ पे, अब यहाँ पे
पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और चलते हैं फिर शिवालय के लिए। देखो भाई, हमारे सभी के गांव में आन बान शान ये, जो बुजुर्ग है गांव के अपनी जन्मभूमि तो है, उनकी इज्जत करनी चाहिए हमेशा सभी को, अपने बड़े बूढ़ों की, और अपनी जन्मभूमि पे हमेशा आना चाहिए। इसी बहाने जो है बड़े बूढ़ों के दर्शन हो जाते हैं। बस जी, अब तो पहले वहाँ पूजा करेंगे उसके बाद ही पियेंगे। हाँ जी, जय हो परमपिता परमात्मा की। आ जाओ जी, अब हम आ चुके हैं शिवालय पे, और शिवालय मंदिर एंटर करते ही ये उल्टे हाथ पे गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, कितनी सुंदर। और ये बहुत प्राचीन पीपल का वृक्ष है यहाँ पर। कहाँ पे है? अच्छा हाँ, ये देखो भाई चमत्कार, देखो ये पीपल का वृक्ष है, प्राचीन वृक्ष, और इसी के अंदर देखिए ये शनिदेव का ये नीम जो है यहाँ पर कट है अंदर, इसके अंदर नीम किस प्रकार से उग गया है भाई। वाह, जय बाबा की, ये भोलेनाथ की कृपया है यहाँ पे। हर हर महादेव। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ की, हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये भाई बहुत प्राचीन शिवालय है, ये देखिए आप, ये शिवलिंग पे किसी ने कपड़ा चढ़ाया हुआ है, और ये सामने महावीर विक्रम बजरंगी जी की प्रतिमा बनी हुई है, नीचे पूरा राम दरबार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नंदी महाराज की, जय हो परमपिता परमात्मा की, जय गणेश जी कार्तिकेय की, जय बजरंग बली की। अब यहाँ जोत बत्ती जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ, जहाँ हम रात रुके थे, अपना घर दिखाते हैं, अपने ताऊ जी का मकान, और इसी के पास ये सुंदर जो है बगिया बनाई हुई है। ये अमरूद का पेड़ है, पीछे शीशम का पेड़ है, और वो पीछे दूर जो है वो बेल पत्थर का पेड़ है, देखिए कितनी सारी बेल लगी हुई है उस पर। अच्छा ठीक है, जोक ऐसे ही। यहाँ भाई पीछे खेती है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे जीव जंतु जो है यहाँ पे हो जाते हैं, कैचुए, सांप, मोर, ये लीच जो दिखाई आपको, जोक। अब हम जो है पीछे शिवालय के दर्शन करके पूजा अर्चना करके प्रसाद चढ़ा के चलते हैं, इसी के पास बनी हुई है ये गाय की समाधि है। और ये देखिए कितना सुंदर भव्य जो है केले का पेड़ यहाँ पर, भाई वाह, और दोनों तरफ गुलाब के दुनिया भर के पौधे लगे हुए हैं। एक एक रास्ते के बीच में ये बाघों का पथ बन गया एक तरीके से, और ये वो समाधि है भाई गाय माता की। अब यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, और फिर इसके बाद चलते हैं। और हमेशा कभी भी भाई मैंने पीछे बताया था, ऐसी जगह आओ तो अपने बच्चों के साथ आइए, अपने बच्चों को ये सभी संस्कार सिखाइए कि भाई कैसे पूजा अर्चना होती है, क्या है, किसका नाम यहाँ है, क्यों आए हैं, अपने जो वजूद है ज़मीनी, इससे हमें जुड़े रहना चाहिए हमेशा। और भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो गाँव से जुड़ा हुआ है उसका तो अवश्य अच्छी लगी होगी। तो जिसने अपने भाई, अपने दोस्त, मलिक यारों का यार जो चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक प्लस कमेंट, कमेंट करना ना भूले कमेंट में, जय माता की, जय भोलेनाथ की, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगा हो, या कुछ गलत लगा हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और दिखाता हूँ आपको मैं बेल पत्थर का पेड़, ये देखिए बेल पत्थर दिखाना चाहता हूँ, यहीं पर बने हैं। एक सेकंड, ये देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी बेल पत्थर लगी हुई है यहाँ पे।
और देखो भाई, ये भी हमारा मकान है गांव में, हमारे ताऊ जी का मकान है ये। और ये हमारी बहन है, बड़ी बहन है अनीता बहन जी। और ये हमारे भाई है मनोज भाई, और ताई है, और ये भाभी श्री है। देखो कितना पुराना मकान बना हुआ है ये है भाई गांव का कल्चर। देखो गांव में ये घर में ही दो गाय हैं, इनके बछड़े हैं। और ये गाय, ये छोटी गाय है हमारी, सबसे छोटी गाय। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पहले यहाँ चूल्हा हुआ करता था काफी साल पहले, ये देखो यहाँ चूल्हा हुआ करता था। अब जो है थोड़ा भाई गांव में मॉडर्न हो चुका है, तो जब इन्होंने अब ऊपर की तरफ जो है पक्के रसोई बना दी है। ये देखो कितना, इसे बोलते हैं दुकड़िया। ये देखिए इसी में जो है पहले भूस वगैरह जितने भी खाद्य सामग्री थी सब यहाँ रखी जाती थी ऐसे ड्रमों में। काफ़ी पुराना मकान बना हुआ है ये, और ये हमारी भाभी के हाथ से हमने इसी जगह पे खाना खाया बना हुआ। अब इनमें थोड़े भाई ये भी मॉडर्न हो गए। और ये देखिए झाड़ू लगाने का कितनी पुराना यंत्र है, देखिए इसे बोलते हैं रड़का ऐसे। और ये घास काटने के लिए जो जानवरों को, जो भैंसों को जो घास डलता है वो, ये गनासा लगा हुआ है, गंडासा बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ से इस घास को डालते हैं, और ये मोटर द्वारा चलता है। पहले हाथ से घुमाना पड़ता था, और जो कि ऐसे घूम के, और ये यहाँ से देखो ये कटता है ऐसे ये। तो भाई ये चीज़ें तो विलुप्त होती जा रही है दिन पर दिन। और दिखाना चाहूँगा आपको, ये ड्रम है, तेल भर के ऐसे स्टोर रखते थे गाड़ी वालियों के लिए, इंजन के लिए। ऐसे ही गेहूँ रखने के लिए गेहूँ का ठेका बोलते हैं, टंकी वो भी होती है भाई। बहुत बढ़िया जीवन था यार, ये लाइफ नहीं मिलती भाई दोबारा। मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया गांव में आके। ये हमारी भतीजी है सबसे बड़ी। ये सब छोटी है। अब भाई बाय बाय करते हैं, बाय बाय का समय आ गया, ठीक है भाई फिर मिलेंगे। तो भाई अब पूजा पाठ का जो है काम निपटा चुके हैं, और उसके बाद आ चुके हैं अपने घर में। ये हमारे ताऊ जी का मकान है, पीछे आप देख सकते हैं बहुत पुरानी शैली में बना हुआ है ये। और अभी दिखाता हूँ इनके बारे में, इनका बोर्ड लगा हुआ है घर के बाहर, ये खास पहचान है इनकी। बाबा चौधरी धर्म प्रकाश मलिक, थाम्बेदार कठवाड़ा काप, थाम्बा हसनपुर पोस्ट लिसाड़ जनपद शामली। अभी मिलवाता हूँ आपसे इनको, जो बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ। भाई आओ मिलवाता हूँ अपने ताऊ जी से। ये है हमारे ताऊ जी चौधरी धर्म प्रकाश मलिक जी, जो बताएंगे अब यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के सब कुछ बारे में। पहले मैंने इनको नमस्ते कर लूँ भाई, बैठ चुके हैं ताऊ जी नमस्ते। अब बताओ ताऊ जी यहाँ के बारे में कुछ, कल्चर के बारे में बताओ, क्या है यहाँ, क्या कैसा है, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा बताओ। मैं चौधरी बाबा धर्म प्रकाश मलिक, हाँ जी, थाम्बा हसनपुर गठवाड़ा खाप। मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, ये अपने समाज से संपर्क बनाए रखें, और यहाँ के देवी देवताओं और अपने धर्म को जो कहता है उस अनुसार चले, और गांव से अपना संपर्क बनाए रखें। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब कोरोना काल हुआ था, तो शहर से आदमी गांव में आने के लिए आने लगे थे, बहुत बहुत सब गांव की तरफ कुछ कर रहे थे। हाँ, गांव की तरफ को कुछ कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ किसी तरह से संपर्क लगातार बना रहे और अपने बच्चों को संस्कारिक बनाए, बिल्कुल, ताकि देश के भविष्य के लिए आगे अच्छा काम कर सके। बिल्कुल भाई, हमारे ताऊ जी जो है यहाँ गांव की भलाई के लिए, आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी भलाई के लिए जो है कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी इन्होंने बताया पीछे गांव के एक पुल बन रहा है, कहाँ का बन रहा है पुल? मतलावली के पुल के लिए प्रयास किया था, उसमें जो है अंतिम उसमें चल रहा है पुल की, कुछ दिनों में घोषणा बनने वाला है।
अच्छा, और इसी के पास गांव के पास ही वो सहारनपुर हाईवे जो है इससे पीछे उतरने वाला नज़दीकी काम तो बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। और भाई इसके लिए जो है हमारे ताऊ जी जो है गांव में किसी को भी कोई दिक्कत होती है जो इनके पास आता है तो उसके लिए जो है जी जान से लगे रहते हैं। उनके साथ रात को किसी भी टाइम बुला लो तो उनके साथ जो है तत्पर रहते हैं हर टाइम ही। तो गाँव की भलाई के लिए, आस पास के जितने भी गाँव हों कोई हो उसके भलाई के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो भाई जो भी गाँव वाला नियर अबाउट का जो देख रहा हो वो इनसे मिलने आ सकते हैं यहाँ पे ग्राम हसनपुर में, जो कि मैंने बोर्ड दिखाई दिया है पीछे। और इस वक्त त्योहारों का समय चल रहा है। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की सभी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो भाई इससे बढ़िया क्या मुबारकबाद मिलेगी। हम अपने पैतृक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे ताऊ जी मिल गए और इनके ताऊ जी ने जो है इतनी बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ दी है दिवाली की, धनतेरस की और भी त्योहारों की। और साथ में ही इनके साथ में हमारे भाई बैठे हुए हैं श्रवण मलिक जी। श्रवण मलिक भाई हमारे, ये बताओ भाई कुछ बताओ, आप भी कुछ कहना चाहते हो नौजवानों को बताओ। भाई नौजवानों से तो यही अपील है, अपना ढंग से काम करे, तरीके से मेहनत करे, गलत काम ना करे, अपना उस पर कोई इधर उधर कोई हिंसा वगैरह से दूर रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम ताऊ जी से कुछ और पूछना चाहते हैं। ताऊ जी बताओ क्या कहना चाहते हो बताओ। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि हमारा ये इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। हाँ जी, इस इलाके में कितनी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम लेकर चल रहे हैं, जैसे बादशाहपुर से लेकर लिसाड का एक बाईपास है, इसका भी हमने प्रयास किया। और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे मकमूलपुर में खेल स्टेडियम का बनना, सड़क के अंदर एक बाईपास का निर्माण होना। हाँ जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से भी अकबे इसे अपने संज्ञान में लेकर इन कामों को जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। तो हम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से जो है अपील करेंगे इस चीज़ की कि इनकी जो फरियाद है इसको सुना जाए, क्योंकि इस टाइम जो है यूपी की फुल फॉर्म जो है लोगों ने बदल के उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश कर दी है, सब इसको उत्तम प्रदेश मानने लगे हैं। तो योगी जी से मैं भी अपील करूँगा कि ये जो समस्या है इनका समाधान करने के लिए आगे आए। अब भाई गाँव में आके दिल खुश हो गया, तो आपको भी दिवाली की, धनतेरस की, भैया दूज की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और अब चलते हैं हम भी अपने वापस दिल्ली के लिए, फिर मिलेंगे, किसी दिन आएंगे फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, जय हिंद। हम भी आपको समस्या बताते रहेंगे। हाँ, जय हिंद, जय भारत। तो भाई हम लास्ट में हम आ चुके हैं हमारे गाँव में बने कोल्लू में। कोल्लू वो स्थान होता है जहाँ गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। अभी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। देखो पपीते का पेड़ लगाया हुआ है यहाँ, देखो कितनी अच्छी ट्यूबवेल बनाई हुई है यहाँ पे अभी। और ये देखिए ट्यूबवेल लगाई हुई है यहाँ पे खेतों की सिंचाई के लिए, कितना साफ निर्मल पानी ये चलता हुआ। ऐसे ही ये नाली बना दी जाती है, नाली के थ्रू जो है सभी खेतों में पानी जाता है, सिंचाई की जाती है और फसलें जो है लहलाती है। भाई देखो भाई भिंडी का फूल। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।